बच्चों बच्चों आज ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं। ठीक बच्चों, तो आज हम लोग देखेंगे बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फार्मूलेस। ठीक है, फार्मूलेस कौन कौन से थे जो इंपॉर्टेंट फार्मूलेस हैं उसके बारे में जानेंगे। तो बोर्ड पे सबसे पहले मैंने एक दो लाइन लिखे हुए हैं, पहला है कंपाउंड एंगल और दूसरा है मल्टीपल एंगल। ठीक बच्चों, तो पहले इन दोनों के बारे में जानते हैं, फिर उसके बाद में देखते हैं फार्मूलेस क्या क्या है। ठीक है, मान लेते हैं कोई एक ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल क्या है, ये है ए बी और सी। ठीक बच्चों, तो इसका मतलब जो ये वाला एंगल है, ये एंगल है ए और ये क्या है सी है और ये क्या है बच्चों बी है। अगर ये तीनों एंगल में अगर हम ए प्लस बी या फिर बच्चों ए माइनस बी, ठीक बच्चों, तो इस तरह से दो एंगल के एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन इनके बारे में अगर जानना है, इसको कहेंगे कंपाउंड एंगल। तो जो ए प्लस बी ये क्या हो गया, कंपाउंड एंगल हो गया, ए माइनस बी क्या हो, कंपाउंड एंगल हो गया, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखो मल्टीपल एंगल। मल्टीपल एंगल का मतलब ये होता है बच्चों कि जैसे 2a या 3b या फिर 4b, इस तरह से अगर हम कुछ पढ़ते हैं या इसको हम जानते हैं तो इसको कहते हैं मल्टीपल एंगल। ठीक बच्चों, तो ये क्या होता है मल्टीपल एंगल। अब आगे देखते हैं। ठीक बच्चों, देखो अब मेरे पास क्या है, तीन एंगल ए बी और सी। बच्चों हम अगर इस तरह से लिखते हैं साइन ए प्लस बी, ठीक, अगर साइन ए प्लस बी लिखे मतलब ए एंगल प्लस बी एंगल, उस पर साइन लगाया, ठीक, साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक बच्चों, ये होता है फार्मूला, साइन ए प्लस बी इक्वल टू दिस होता है। ठीक, दूसरा देखो बच्चों, इसी पे साइन ही लगाएंगे, बस माइनस में हो जाएगा, मतलब साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, देखो इसका भी फार्मूला होता है बच्चों, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक बच्चों, मतलब जस्ट ऊपर है, बस जहां प्लस है तो वो माइनस हो गया। ठीक, तो ये हो गया, तो ये मेरे दो फार्मूले हैं जो साइन के फार्मूले हैं। ठीक, अब कॉस के फार्मूले देखते हैं बच्चों, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, ये होता है बच्चों कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक बच्चों, तो ये होता है कॉस का फार्मूला। इसके बाद में देखो जस्ट माइनस वाले में देखते हैं, कॉस का ही कॉस ए माइनस बी, ये क्या होता है बच्चों कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये कॉस का फार्मूले होते हैं। देखो टेन का क्या होगा, नंबर वन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, देखो टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। ठीक बच्चों, तो ये होता है टेन का। अब इसी तरह से टेन का माइनस में देख लो, तो माइनस में लिखने के लिए ऊपर लिखते हैं। ठीक बच्चों, तो इसको पहले ऊपर हटा देते हैं उसके बाद देखते हैं, लेकिन बच्चों इसको हमेशा के लिए याद रखना है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का, अब हम रियल ट्रिग्नोमेट्री के अंदर घुस रहे हैं। ठीक है, जो एकदम मेन ट्रिग्नोमेट्री है, तो उसके लिए ये क्या हमें याद होना चाहिए, हमेशा के लिए याद होना चाहिए। ठीक है, क्या है दूसरा बच्चों टेन का, टेन ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन माइनस वन प्लस हो जाएगा टेन ए टेन बी। ठीक बच्चों, तो ये हो गया माइनस का और ये क्या है प्लस का है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में देखो कॉट का देख लेते हैं बच्चों, कॉट का देखते हैं, कॉट ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, कॉट ए कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। ठीक बच्चों, तो ये हो गया कॉट का। अब कॉट पे ही माइनस का देखते हैं बच्चों,
कॉट ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, जस्ट यही होगा, बस केवल साइन चेंज हो जाएगा। तो कॉट ए कॉट बी प्लस वन अपॉन कॉट ए माइनस कॉट बी, ठीक बच्चों। तो ये हो गए कॉट के फार्मूले हो गए, ठीक। अब इसके बाद में एक और देखो, एक फार्मूला और देखो तो जो थोड़ा सा बड़ा है, वो क्या होता है देखते हैं। देखो बच्चों, अगर कहीं लिखा हुआ ऐसे टेन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होता है, अभी मैंने दो एंगल को लेके किया था, अब तीन एंगल को लेके कर रहे हैं, ठीक है। तो तीन एंगल को लेके कर रहे, देखो इसको क्या होता है बच्चों, देखो टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी, और इसको फिर हटा देते हैं उसके बाद, देखो माइनस टेन ए टेन बी टेन सी, ठीक है बच्चों, अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन ए। तो ये होता है बच्चों टेन का तीन एंगल पर, टेन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू दिस होता है। देखो बच्चों, आज मैंने क्या क्या केवल फार्मूला बताया है, अब इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्लास के अंदर इसी से बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, देखते हैं, ओके।